बोले बजरंगबली की जय। चंदौड़ी बाबा की। मैं आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में आशा जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि बिना बात भ्रम फैला हुआ है, विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। आप विरोधी के चक्कर में मत आओ, उस चौकी से बाहर निकलो। मैं सार्वजनिक रूप से उससे प्रार्थना करूंगा और कोई गलती हो गई तो माफी मांगूंगा। से नहीं मानेगी तो मैं उसके पैर पकड़ लूंगा, पैर से भी नहीं मानेगी तो मेरे सत्ते में जूती रखेगी, उसको माफी मांगने के लिए तैयार। क्या किरोड़ी लाल मीना को चुनाव में हार का डर हो गया है? क्या किरोड़ी बाबा सवाई माधोपुर में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है? और क्या इस बार सवाई माधोपुर की सीट बीजेपी के हाथ से निकल रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा ने खुल्लम खुल्ला बीजेपी से बागी हुई आशा मीना से चुनाव ना लड़ने की अपील कर दी है। आप सबके बीच में आशा जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरे को 75 साल की उम्र हो गई, 75 साल में हमारे रिटायरमेंट दे देते हैं, 70 साल में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, 5 साल का जो है मेरा काम, और 77 साल में तो 77 साल का हो जाऊंगा तो कोई खाट में पड़ा पड़ा खुल खुल लगता रहूंगा, उनको तो ही है मैं और मेरी गोल हुआ। इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में आशा जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि बिना बात भ्रम फैला हुआ है, विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। आप विरोधी के चक्कर में मत आओ, उस चौकी से बाहर निकलो। मैं सार्वजनिक रूप से उससे प्रार्थना करूंगा और कोई गलती हो गई तो माफी मांगूंगा कि आप कार्यकर्ताओं के साथ लगे, पार्टी के साथ लगे। जो कमल का फूल जीवन पर रखेगा उसका डंका बजेगा। मैं 2 बार बिना कमल के फूल लड़ चुका हूँ, या 2 बार हार गया ना। मेरा जैसा आदमी 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ा बिना कमल के फूल के वो हार गया, तो आशा जी ने ये भी तय कर रखा है से नहीं मानेगी तो मैं उसके पैर पकड़ लूंगा, पैर से भी नहीं मानेगी तो मेरे सत्ते में जूती रखेगी, उसको माफी मांगने के लिए तैयार। आपको बताएं, इस बार बीजेपी किसी भी हाल में राजस्थान में सरकार बनाना चाहती है। नतीजा ये कि पार्टी ने इसके लिए कई सांसदों सहित हेवी वेट नेताओं को मैदान में उतारा। सवाई माधोपुर में भी यही हुआ। सांसद किरोड़ी लाल मीना को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद आशा मीना ने बगावत कर दी और सवाई माधोपुर से निर्दलीय पर्चा भर दिया। वहीं कांग्रेस से दानिश अबरार मैदान में है। ऐसे में किरोड़ी बाबा का ये बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या आशा मीना के उतरने से किरोड़ी लाल मीना को अपनी जीत पर शक हो गया है? हालांकि कई जानकार कह रहे हैं किरोड़ी बाबा इस बयान के जरिए मीना समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक तीर से दो निशाना। मैं आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में आशा जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि बिना बात भ्रम फैला हुआ है, विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। आप विरोधी के चक्कर में मत आओ, उस चौकी से बाहर निकलो। मैं सार्वजनिक रूप से उससे प्रार्थना करूंगा और कोई गलती हो गई तो माफी मांगूंगा कि आप कार्यकर्ताओं के साथ लगे, पार्टी के साथ लगे। जो कमल का फूल जीवन पर रखेगा उसका डंका बजेगा। मैं